Hello everyone, let's start with question number 20 of exercise 3.3. So in this it is given, shopkeeper given books on rent for reading. She takes a fixed charge for the first 2 days. A fixed charge hai aur wo bhi kiske liye? 2 din ke liye. Fixed charge for 2 days. It equals x and an additional charge for each day. Ab agar extra rakhenge bachcha तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा फॉर ईच डे. सो इट विल बी y. नाउ इट सेज दैट लतिका पेड 22 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 6 डेज. उसने टोटल कितने दिए? 22 इक्वल्स. अब देखो उन्होंने उसने बोला कि 6 डेज के लिए रखा था, तो 2 डेज तो फिक्स चार्ज में चले गए, दैट इज x. अब बचे हुए जो डेज हैं वो किसके पास चले जाएंगे? एडिशनल चार्ज के पास. तो 6 में से 2 गए, 4 हो गया, दैट इज 4y. x plus 4y equals 22. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. व्हाइल अनंत पेड 16 फॉर द बुक केप्ट फॉर डेज. उसने अनंत ने दूसरे बच्चे ने उसने 16 रुपए पे किए और उसने कुछ दिन के लिए रखे थे. अब देखो यहाँ पे क्या होएगा. Okay, it is 4, not 4, it is 4 days. So, it will be x plus 2y. 2 days to x mein chale gaye aur bache kitne? 4 mein se 2 gaya, 2 ho gaya. To ab hume kya karna hai? Ab hume fixed charge nikalna hai aur charge for each extra day nikalna hai. To hum easily isme elimination method laga sakte hain kyunki isme hume dikh raha hai ki x and x kya ho raha hai? Cancel out ho raha hai. To minus karte hain, subtract karte hain sari values ko. x में से x किया कैंसिल, 4y में से 2y गए, 22 में से 16 गए 6, एंड इट विल बी 6 ओवर 2, इट विल बी 3. मतलब एडिशनल चार्ज एक दिन का कितना लगेगा? 3 रुपीज. अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल्स 16. नाउ अब हमें पता है कि y हमारे पास 3 है, तो x प्लस 2 इंटू 3 इक्वल 16. तो x प्लस 6 इक्वल 16. अब हम क्या करेंगे, 6 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे और इट विल बी 16 माइनस 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10. फिक्स चार्ज कितना लगेगा? 10 रुपए. और अगर एक्स्ट्रा रखेगा कोई बच्चा एक दिन के लिए भी, तो इट विल बी 3. सो दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20.